तो पावर बीआई में हम बात करेंगे डैक्स फंक्शन, डैक्स फंक्शन में बात करेंगे डेट एंड टाइम कैलकुलेशंस। ओके, तो यहां हम सबसे पहले एक डेटा लेते हैं जिसमें हम डैक्स की फॉर्मूला रखेंगे। डैशबोर्ड 11 को लिया, ओपन करता हूं। यहां पे डैशबोर्ड लेता हूं, उस कॉलम से मुझे एक मिनट, डैशबोर्ड नहीं था, डैशबोर्ड दिक्कत हो गया, नल आ गया। यहाँ पे डेटा देता हूँ, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके चला जाता हूं कि कुछ कॉलम चाहिए कुछ कॉलम नहीं चाहिए। इसमें हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद यहां जाते हैं हम चूज कॉलम्स, चूज कॉलम्स के अंदर मुझे रो आईडी नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, सिप डेट ऑर्डर डेट चाहिए, सिप मोड चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, सिटी स्टेट ये सब मैं हटा देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी रखता हूँ, बाकी कैटेगरी रखता हूँ, और प्रोडक्ट नेम हटा देता हूँ, क्वांटिटी सेल्स ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, छोटा डेटा रख रहा हूँ ताकि बार बार मुझे इस तरह से स्क्रॉल ना करना पड़े, फिर भी डेटा बड़ा ही गया तो कुछ चीज़ और बढ़ा जाते हैं, सिप मोड वगैरह जो है ये हटा देता हूँ क्योंकि मुझे तो डेट पे ही करना है ना। चूज कॉलम में आते हैं, ए सिप, सिप मोड, सेगमेंट, कंट्री, कैटेगरी ये सब मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से लोड एंड क्लोज करता हूँ। ये डेटा आपके सामने आ गया, हम इसको हम जो है लोड एंड क्लोज करके वापस पावर बी आई में। अब आते हैं अपने डेटा पे, अब यहाँ पे न्यू कॉलम पे आते हैं। अब सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं, इसके अंदर हम अगर एक बार डेट ही लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डेट लिखता हूँ, डेट में जैसे मैं ऑर्डर डेट दे दिया, तो ऑर्डर डेट का कुछ कुछ कंपोनेंट हम यहाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कुछ कुछ कंपोनेंट, जैसे कि डेट, डेट अगर लेते हैं तो पूरा का पूरा डेट आपको दिखेगा। डेट क्या करेगा? पूरा का पूरा डेट दिखा देगा। डेट के बाद अगर मान लीजिए मैं डे लेता हूं, तो इसका जो डे है तो डे आया 9, 10, 11 जो था 130 इस तरह से दिखेगा। डे के बाद यहां मैं आता हूं मंथ, आपका ये मंथ जैन जनवरी फरवरी इस तरह से मंथ हुआ। ठीक है, और यहां पे अगर मंथ को करूं, मंथ नंबर करूं, यहां पे आपको मंथ नंबर 1 to 12 आपको दिखेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहां पे क्वार्टर करूं तो क्वार्टर क्वार्टर में Q1, Q2, Q3 इस तरह से आएगा, Q1, Q2। और अगर मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं क्वार्टर नंबर, तो क्वार्टर नंबर में 1, 2, 3, 4 आए। अगर क्वार्टर के जगह पे यहां मैं सेलेक्ट कर लूं और ईयर, तो ये आपका ईयर जनवरी फरवरी है। एक तो तरीका है कि आप इस तरह से अलग करें, दूसरा है कि फंक्शन बाय फंक्शन, बाय फंक्शन में जैसे कि ईयर अलग करना है तो जैसे एक्सेल का फॉर्मूला होता है ना, वो हम ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आपका ईयर अलग हो जाएगा नंबर में। अगर मैं यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो आपका मंथ अलग हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहाँ पे डे का फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे, तो आपका डे अलग क्या हो जाएगा? डे अलग हो जाएगा। एक और तरीका है आपका कि आप यहाँ फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाए, फॉर्मेट जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला थे ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मूला है। ऑर्डर डेट में यहाँ पे मैं अगर दो बार TD कर दिया तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 के शक्ल में आएगा।
अगर मैं यहाँ पे 3 बार DD कर दिया तो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे के फॉर्मेट में आएगा इन द टेक्स्ट। 4 बार किया तो क्या होगा? आपका है सैटरडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे। ठीक है, सर एक पूछना था सर, इसमें अकाउंटिंग का फॉर्मूला लगता है क्या सर हाँ इसमें? लगता है, बताऊंगा इंटरव्यू से बता। ऐसे मंथ में तो जो टैक्स फॉर्मूला के अंदर कोड देते हैं ना, वो तो कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो टैक्स फॉर्मूला के अंदर कोड था कस्टम फॉर्मेटिंग के, वो सारे कोड यहाँ दे सकते। अब हमने डेट फॉर्मेट में जान, अब बात करते हैं डेट एडिशन के लिए। जैसे मान लीजिए डेट है, इसमें मुझे 30 डेट जोड़ने हैं, मुझे 30 दिन बाद का डेट चाहिए, तो ऑर्डर डेट लीजिए और यहाँ पे प्लस 30 कर दीजिए, आपको 30 दिन बाद का डेट दिख जाएगा। ठीक है, जितना दिन 30, 100, 200, 500, 10,000 जो जो ऐड करना चाहते हैं इसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे 3 महीना जोड़ना था, ऐसा नहीं कि मैं 90 सेलेक्ट करके ऐड कर दूं तो 90 ऐड हो जाएगा, जी नहीं। यहां पे अगर मैं दूं ऑर्डर, टेक्स्ट में यहां पे ठीक ई डेट का फॉर्मूला आएगा, ई डेट डेट यहां पे, तो डेट ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे? ई डेट का फॉर्मूला, तेरा ऑर्डर डेट और जितना महीना आपको जोड़ना है प्लस में डाल दीजिए, जितना घटाना है उतना माइनस में डाल। तो ई डेट फॉर्मूला डेट ऐड भी करता है, डेट मंथ डेट ऐड भी करता है, मंथ भी ऐड करता है, डेट और मंथ दोनों इसमें ऐड करता है। ठीक है, बस माइनस प्लस का खेल है। तो आपने सीखा कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम डेट कैसे जोड़े और मंथ कैसे जोड़े। क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे ईयर जोड़ने हो, 2 साल जोड़ने हो, तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपल सा 2 × 12 कर दे तो उतने साल आपको जोड़ देगा। तो मतलब कि आपको साल भी जोड़ना है, जिसको मंथ में कन्वर्ट करके जोड़ना है। मंथ में क्या करके जोड़ना है? कन्वर्ट करके जोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पीरियड जोड़ना है, जैसे कि 2 साल 3 महीने 22 दिन, अब ऐसे केसेस में प्रॉब्लम है क्योंकि इसके लिए ना एक्सेल में फॉर्मूला है और ना ही आपके पावर बीआई के अंदर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट नाम का एक फॉर्मूला होता है जिसमें मैं 2 ईयर 2022 यहाँ पे 4 और 22 इस तरह से दे दूंगा, तो डेट बनाता है। क्या बनाता है? डेट बनाता है। बस इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना है कि मैं यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाया और ऑर्डर डेट से हमने ईयर को पिक कर लिया। अब ईयर फॉर्मूला के थ्रू पिक कर ले, अब इसमें प्लस मैंने 2 कर दिया, या फिर जो मैंने बताया कि हम डायरेक्ट जो है ऑर्डर डेट डालते हैं और इसमें से मंथ नंबर ले लेते हैं और इसमें 4 महीने दे देते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट डे का फॉर्मूला लगाऊं, इसमें हम यहाँ पे 22 दिन जोड़ दें, तो मंथ ईयर डे फॉर्मूला के उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट जो है आप डेट से ही अलग करके उसमें ऐड कर दें, और डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। ऐसे एक पीरियड को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको सबको? किसी को डाउट? कोई डाउट है आपको? नहीं होने चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए जो मेरा ऑर्डर डेट है, मेरा ऑर्डर डेट है, मुझे इस ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 2 डेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकाले? सिंपल सा है, दोनों जो लेटेस्ट डेट है आपका, उस लेटेस्ट डेट में से माइनस कीजिए ओल्डर डेट, जैसे कि ऑर्डर डेट हमने डाला, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रिजल्ट तो इस तरह से डेट में आया, तो इसको डेट एंड टाइम इसको हटा के इसको कर दीजिए होल नंबर, यस कीजिए, तो आपको नंबर ऑफ डेज में आ जाए। ठीक है,
अब ये गलत कर दिया हमने, हमारा शिप डेट और ए डेट अलग अलग है। नहीं, शिप डेट माइनस ओल्डर डेट, ओ सॉरी, आपका 2011 2019 है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है माइनस में। एक बार दोबारा दिखाता हूं कि मुझे ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट, उल्टा हो गया सर। ठीक है, ये आपका डेटा है। तो दो डेट के बीच में डिफरेंस आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डेज में। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे, क्या नेटवर्क डेट जैसे फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल है, कि आप स्टार्ट डेट, एंड डेट और बीकन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क डेट जो INTN फॉर्मूला था, यहाँ पे नेटवर्क डेज के नाम से कहलाता है। इसमें मैं लिखता हूं अपना स्टार्ट डेट, जो कि हमारा है शिप डेट, शिप डेट कॉमा, और एंड डेट जो हमारा है वो है ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट हमने डाल दिया कॉमा। अब यहाँ पे वीकेंड्स, तो वीकेंड्स में आपको 1 से लेके 7 तक सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा वीकेंड्स मान लीजिए संडे को है, तो 1 कर लिया। एंड अगर हॉलीडे का कोई लिस्ट है तो वो आपको उस टेबल से उठाना हो, ठीक है ना, ऑल फॉर्मूलेस। तो फिलहाल हॉलीडे को छोड़ते हैं, यहाँ पे एंड रिमार्क, देखिए ये आपके सामने आ गया, सैटरडे संडे को हटा दिया इस, ठीक है। लेकिन मुझे ईयर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कितने ईयर है। ऐसे खुद के पीरियड स्केल के लिए आप जैसे एक्सेल में डेट DIF फॉर्मूला था, वो डेट DIF फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। तो डेट 1 है हमारा शिप डेट, और ऑर्डर डेट हमारा एरा। इसके बीच में हमें क्या चाहिए? तो मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि टोटल ईयर कितना हुआ, तो ये देखिए आपको ईयर बता देगा कि टोटल ईयर जो है 8 साल है। अगर मैं ईयर के जगह पे मान लीजिए कि मैं अगर मंथ दिया, तो डिफरेंस हमारा मंथ में आए। अब एक्सेल की तरह ऐसा नहीं है कि ईयर के बाद मंथ तो उसके बीच में देगा, ठीक है। क्वार्टर, कितने क्वार्टर हुए उस डिफरेंस में, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो दिक्कत इसमें, हेलो गोयल जी, कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, ये तो थी हमारी इसी, बोलिए। काउंटिंग का जरा एक बार बता सकते हैं सर, काउंटिंग आए का? अकाउंटिफ आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, उससे पहले कुछ चीजें और सीखनी पड़ेगी, डायरेक्ट काउंटिंग नहीं सीख पाइएगा आप, ठीक है। तो बस इंतजार कीजिए। फिर यहाँ पे आता है सिस्टम डेट। तो अगर मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा दूं, तो ये ट्रेंड सिस्टम डेट आपको दे देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं नाउ का फॉर्मूला लगा दूं, तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम आपको दे देगा, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दे देगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से आवर अलग करने हैं, मिनट अलग करने हैं, तो यहां अगर हम अगर लेते हैं यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम डेट है SD, तो SD को सेलेक्ट किया। अब इसमें आप देख सकते हैं ईयर मंथ आवर है, इसमें से ऐसा नहीं कि मैं आवर अलग करूं मंथ अलग करूं, नहीं होगा, क्योंकि ये डेट है। हाँ, इसको अगर मैं सिर्फ टाइम में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि इसको सेलेक्ट करता हूं और डेट एंड टाइम में हम टाइम को सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, टाइम दिख रहा है हमको। अब मुझे देखना है कि क्या आप सिर्फ टाइम अलग होगा इसमें से। तो अगर मैं यहां पे एस डी डॉट देता हूं तो यहां पे देखिए नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें आप जो है टाइम में से पर्टिकुलर टाइम जैसे हम डेट को अलग किए थे ऐसे अलग नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो दो फॉर्मूले हैं, एक है आवर का फॉर्मूला, आवर का फॉर्मूला, और यहां पे मैंने एसडी ले लिया तो क्या करता है कि डेट टाइम में से आवर को अलग कर देता है इन द नंबर फॉर्मेट। उसी तरीके से यहां मिनट है एमटी, यहां पे हमने मिनट का फॉर्मूला लगाया, ये क्या करेगा मिनट जो है इसमें से अलग कर देगा एसटी में से। और फिर हम सेकेंड का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या होगा एसडी, यहां पे सेकेंड जो है अलग कर देगा किसमें से एसडी में से, सेकेंड अलग कर देगा। तो इस तरह से ऑल ना एसई एन तो सेकेंड अलग कर देगा। फिर अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लगाऊं यहां पे, अगर टाइम का, तो टाइम फॉर्मूला में हम टीएम लेते हैं कॉमा एमटी कॉमा, फिर टाइम वैल्यू लगा दिया, माफी चाहूंगा, और टाइम वैल्यू ने टाइम टाइम में एसडी एसडी नहीं, एसडी तो ऑलरेडी है, एसडी नहीं, इसमें लिखते हैं टीएम टीएम एमटी और यहां पे एस ई एन एस ई एन। और एंटर मारेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा टाइम। ठीक है, देखिए डेट एंड टाइम इकट्ठा आया, यहां से इसको टाइम फॉर्मेट, डेट एंड टाइम की जगह पे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, तो एग्जैक्ट टाइम आपको। और फॉर्मेट के अंदर भी अगर टाइम को अगर अपने हिसाब से फॉर्मेट चाहते हैं, यहां पे आप फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाएं और इसमें आप कॉमा एच एच स्लैश एम एम स्लैश एस एस कर दे, आपका टाइम शो कर देगा, लेकिन इन द टेक्स्ट में। यहां देखिए फॉर्मेट का रिजल्ट हमेशा टेक्स्ट में आता है, इसमें आता है टेक्स्ट में। ठीक है, इस तरह से हम टाइम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है सर? टाइम में अगर ऐड करना चाहते हैं तो जैसे हमने डेट का यूज किया था वैसे टाइम का भी यूज कर सकते हैं, आप नॉर्मली इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत सर? अब आता है डेट एंड टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूला, तो मैं रिक्वेस्ट